हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट सॉल्वर। आज का मैं इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ स्टूडेंट, कि इस तरह क्वेश्चन अक्सर यूपी टेट और सीटेट में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं स्टूडेंट। बहुत बार इस तरह क्वेश्चन यूपी टेट और सीटेट में बहुत बार पूछे गए हैं और लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, छोड़ के चले आते हैं। क्योंकि जैसी इस तरह के क्वेश्चन को स्टूडेंट पेपर में देखते हैं, उनका दिमाग में एक ही चीज़ आता है, उनके माइंड में एक ही चीज़ आता है कि इस तरह के क्वेश्चन को हमें नहीं करना है। लेकिन स्टूडेंट, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लिए तो इस तरह के क्वेश्चन को आप पेपर में छोड़ के नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ स्टूडेंट, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो देखिए स्टूडेंट, दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कि संख्या 3 की पावर 98 को 5 से भाग करने पर शेष रहता है। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट, जो 3 की पावर 98 है, अगर हम इस पूरे को 5 से भाग करें, मैंने 5 से डिवाइड करें, तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। इसका कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि इस पूरे संख्या को, पावर को, 3 की पावर 90, इस पूरे संख्या को अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं 2, 3, 1, 4। ठीक है, तो जब भी स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन आए, ठीक है स्टूडेंट, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो देखो आपको क्या करना है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, आपको सिर्फ पावर पर फोकस करना है। आपको क्या करना है, सिर्फ पावर पर फोकस करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 की पावर क्या है, 98 है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, पावर पर ध्यान देना है और उस पावर में क्या करना है, आपको 4 से डिवाइड देना है। ठीक है स्टूडेंट, पावर कुछ भी हो, पावर में आपको क्या करना है, 4 से ही डिवाइड देना है और किसी संख्या से डिवाइड नहीं देना है, सिर्फ 4 से ही डिवाइड देना है। तो यहाँ पर पावर क्या है स्टूडेंट, 98। तो 98 को अगर हम 4 से डिवाइड देंगे स्टूडेंट, 98 को, तो कितनी बजा आएगा, 4 2 जा 8, 1 रिमाइंडर, ये 8 उतरा और ये 4 4 जा 16। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचा स्टूडेंट, 2। तो अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये पहला स्टेप था, अब देखिए दूसरा स्टेप में इसका आंसर निकल जाएगा। जो हमारा रिमाइंडर आया स्टूडेंट, जो रिमाइंडर आया स्टूडेंट, इसको लिखना है पावर के रूप में, 3 के ऊपर पावर के रूप में लिखना है। यहाँ पर देखिए क्या स्टूडेंट, 3 है, तो इस 3 को आप लिख लीजिए। ठीक है, इस 3 को मैंने लिख लिया, और जो हमारे यहाँ पर रिमाइंडर निकल के आया, इसको 3 के ऊपर, इसको पावर के रूप में लिखना है स्टूडेंट। इस 2 को, इस रिमाइंडर को 3 के ऊपर पावर के रूप में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट, मैंने पावर, इस रिमाइंडर को क्या किया, इस 3 के ऊपर पावर के रूप में लिख लिया, रिमाइंडर को, जो हमारा रिमाइंडर आया 2, इसको क्या किया, 3 के ऊपर पावर के रूप में लिख लिया। अब ये देखिए स्टूडेंट, 3 की पावर हो गया 2, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, इसको हम ये लिख सकते हैं 3 × 3। अगर 3 की पावर 2 है तो हम 3 को 2 बार लिख सकते हैं, तो इसका जब मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, 9। इसका मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, 9। अब क्या स्टूडेंट, अगर इस 9 को आप 5 से डिवाइड नहीं दे पाएंगे, और क्या आप पता नहीं कर पाएंगे कि रिमाइंडर क्या बचेगा। अगर आप 5 से अगर 9 में आप डिवाइड देते हैं तो क्या आप रिमाइंडर नहीं पता कर पाएंगे। तो 5 से आप जब डिवाइड दीजिएगा 9 में, तो रिमाइंडर 1 बार, तो रिमाइंडर कितना बचेगा स्टूडेंट, 4। तो वही तो पूछा है कि शेष क्या होगा, तो इसका 4 आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से स्टूडेंट, बहुत ही आसानी से देखिए। अब यहाँ पर दिया हुआ है 4 की पावर 96 दिया हुआ है। 4 की पावर क्या दिया स्टूडेंट, 96 दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, अब बोला है कि 6 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, जब भी कोई संख्या पावर में दिया हुआ, कोई भी नंबर, और किसी से भी बोले 5 से 6 से, किसी से भी डिवाइड करने के लिए बोले और पूछे कि रिमाइंडर इसका क्या होगा, तो अभी मैंने क्या बताया था कि आपको सिर्फ पावर पर फोकस करना है। तो पावर क्या है, 96, तो 96 के क्या करना है, आपको 4 से डिवाइड देना है, कुछ नहीं करना है, 4 से डिवाइड देना है। तो 4 से इसको डिवाइड दीजिए, तो ये चला जाएगा 2 बार। ठीक है स्टूडेंट, 8 बचा, 1, ये 6 उतारे, ये 4 4 जा 16। लेकिन स्टूडेंट, अब यहाँ पर तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। अभी क्या था कि पहले वाले सवाल में क्या था कि रिमाइंडर 2 बचा था, तो हमने क्या कहा था, उसको पावर के रूप में लिख लिया था। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा था, 2 बचा था स्टूडेंट। तो हमने इस 2 को क्या किया था, इस 3 के ऊपर पावर के रूप में लिख लिया था। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कि यहाँ पर तो रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, तो अब क्या पावर लेंगे हम। तो जब भी स्टूडेंट, आप एक चीज़ ध्यान रखना स्टूडेंट, जब भी अगर आपको पावर कुछ नहीं बचे, अगर आपका पावर 0 बचे, ठीक है, आपका मैंने एक तरह से पावर कुछ भी नहीं बचे, तो आपको क्या करना है, पहली तो ये जो 4 है, इस 4 को तो उतारना है। ठीक है, इस 4 को तो उतारना। उसके बाद आपको क्या करना है, जब रिमाइंडर आपको कुछ नहीं बचे, तो आपको सीधे क्या करना है, इसका पावर 4 ले लेना है।
ठीक है, पावर क्या लेना है, फोर लेना है। जब रिमाइंडर नहीं बचे कुछ तो आपको बिना सोचे समझे पावर क्या ले लेना है, फोर ले लेना है। ठीक है स्टूडेंट, अब जब फोर, अब फोर की पावर फोर है स्टूडेंट, तो अब इसको क्या लिख सकते हो, फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर लिख सकते हो। और जब आप इसका मल्टीपल करोगे स्टूडेंट, इसका आएगा टू फाइव सिक्स, फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन फोर जा सिक्सटी फोर, और सिक्सटी फोर जा टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स। अब क्या हंड्रेड टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स को आप सिक्स से डिवाइड नहीं दे पाओगे, तो जब हमने सिक्स से डिवाइड दिए टू हंड्रेड फिफ्टी सिक्स में, तो कितनी बार आएगा, फोर बार। ठीक है स्टूडेंट, वन बचा सिक्स, ये कितनी चला जाएगा, टू बार। ठीक है स्टूडेंट, ये फोर बचा, तो रिमाइंडर क्या बचा स्टूडेंट, फोर, जो कि ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था स्टूडेंट बहुत ही आसान तरीका स्टूडेंट, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को देखा है। ठीक है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया स्टूडेंट। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें स्टूडेंट।